हेलो गाइज, कभी अच्छे लोग में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे जो कांस्टेबल के परीक्षा के अंदर जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे उनका आज फिजिकल चल रहा है। तो अभी कुछ गर्ल्स आई हैं जिनका फिजिकल हुआ है अभी, तो उनसे पूछते हैं अंदर का कैसा एक्सपीरियंस है, ग्राउंड की स्थिति कैसी है और डॉक्यूमेंट ऐसे कौन कौन से जिनकी रिक्वायरमेंट्स है। तो शुभ नाम आपका? इमरती। थोड़ा इसको नज़दीक। मेरा नाम इमरती है, मेरे पापा का नाम मेराज राम है और यहाँ पर हम सुबह 5:30 के थोड़ा सा पहले आ गए थे, 5 बजे आ गए थे। फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो हमने जमा करवा दिए थे। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अभ्यर्थियों को बताना चाहते हो, जो कल जो गर्ल्स आए? जो जाति प्रमाण आए थे तो हाँ। कौन कौन से? EWS एक तो और आए, जैसे छूट लिए ना उसे आए तो जरूरी है। अरे नहीं होगा तो भी नहीं होगा तो EWS हो, अगर उसके पास आए ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जाति प्रमाण पत्र 2021 का होना चाहिए, ऐसा भी नहीं 2022-23 का भी चल जाएगा। अगर 2021-22 का ना हो तो 2022-23 का भी चल फॉर्म भरवा देंगे वहाँ पे। नहीं ऐसा भी कोई नहीं है, मेरे पास नहीं था कुछ, आए नहीं थी फिर भी चल गया मेरा। बेसिक ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो चाहिए ही चाहिए? वो है 10th की और 12th की मार्कशीट है, और जो ऐसे कैटेगरी से बढ़ते हैं वो होना चाहिए, मूल्यवास होना चाहिए, जाति होना चाहिए। और ये फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये भी हाँ ये जरूरी है, ये तो कंपलसरी। और कितने राउंड्स लगाने पड़ रहे हैं अंदर? 13 लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन मतलब लगभग 385 मीटर का एक ग्राउंड हो गया। और टाइम सही दे रहे हैं आपके अनुसार? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे से हो सकता है। ओके, और ग्राउंड की स्थिति कैसी है? अच्छी है, काफी अच्छी है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव भी काफी अच्छा है, मतलब पानी का, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह वो सब अवेलेबल है। और नंगे पांव रनिंग कर सकती हैं क्या? बिल्कुल, आपकी मर्जी हो कैसे भी कर सकते हैं, नंगे पैर, जूते, चप्पल, चले जैसे भी आप पे हो वैसे कर सकते हैं। मतलब ग्राउंड काफी अच्छा है? अच्छा है, काफी कंकड़ वंकड़ भी नहीं है, सब बढ़िया है, मतलब एकदम अच्छा है। वहाँ का मैनेजमेंट भी काफी बढ़िया है, खूब अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं रनिंग के टाइम पे सारे पुलिस वाले, मतलब पानी भी देते हैं। और जो फिजिकल जो चेक कर रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा जो हेल्प या कुछ ऐसा कठोर व्यवहार कर रहे हैं या ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सब बढ़िया है, सब अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, सब अच्छे से खूब। और ऐसे वेट का भी बोलते हैं, कम हो तो पानी वानी पी लो ऐसे करके, तो मोटिवेट करते हैं उसमें, ये नहीं है कि नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, मतलब स्टाफ काफी कोऑपरेटिव है अंदर? हाँ, काफी है, सब बढ़िया है, अच्छे हैं सब। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हो कि जो ये कुछ है कभी हमारी जो सिस्टर्स आई हैं जो अंदर से फिजिकल करके आई, इनका कहना है कि मतलब बहुत ही बढ़िया स्टाफ है, ग्राउंड की स्थिति है वो काफी अच्छी है, आप नंगे पाँव भी रनिंग कर सकते हो, जूते पहन के जैसा भी आपको रनिंग करना है, जो भी आगे गर्ल्स आ रही हैं या बॉयज आ रहे हैं आपको किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग आपके हिसाब से सही दे रहे हैं? सही दे रहे हैं, अच्छे से वहाँ ही टाइमिंग निकल रही, यहाँ निकाल रहे हैं हम, खूब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब मोटिवेट करते हैं उससे, और अच्छा लगता है कि भगो तो भगो ऐसे। ओके, मतलब जो आप प्रैक्टिस में इतना टाइमिंग नहीं आ रहा था जितना अभी फाइनल में आपका आ रहा है? प्रैक्टिस में हमारे 34-35 निकल रहे थे, यहाँ हमने 31 में ही निकाल दिया। हाँ, और राउंड को काउंट करने के लिए क्या आपको खुद को करना पड़ता है या कोई ऐसी इलेक्ट्रिक चिप लगाई है? कोई भी पहन लो, आप पे कोई चीज हो तो मना नहीं है कि ये मतलब पहन के नहीं, और जो आप पे हो वो कर सकते हैं, मतलब राउंड के लिए काउंटिंग के लिए रबड़ पहन लो या पेन वेन लेके निशान लगा लो, तो कोई मतलब मना नहीं है। और वो इलेक्ट्रिक डिवाइस भी तो होगी ना जो पैर में बांध? हाँ, वॉच भी पहन के दौड़ सकते हैं अपने टाइम में, वॉच कैरी कर सकते हैं। हाँ, तो गाइस देखा कि कल ऐसा हुआ था कि कुछ ग्राउंड्स के अंदर वॉच अलाउ नहीं कर रहे थे, बट आज ये जो विद्याधर नगर स्टेडियम का जो ग्राउंड्स है इसके अंदर वॉच भी अलाउ कर रहे हैं, आप अपने वॉच भी कैरी कर सकते हो टाइमिंग को देखने के लिए। बाकी जो कल जो गर्ल्स आने वाली हैं, कल परसों जो नेक्स्ट जो भी दिन, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ नहीं, अच्छे से करें, सब बढ़िया होगा, काफी अच्छा राउंड वो ग्राउंड है, यहाँ काफी मोटिवेट भी करते हैं, सब बढ़िया होगा, और कुछ नहीं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, आराम से। शुभ नाम आपका? नेहा ठाकुर। और ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह? नहीं, और तो नहीं, कोई नहीं, इतनी डॉक्यूमेंट्स बस यही जमा करा दो उसके हो जाएगा, और बाकी का अगर नहीं हो तो एफिडेविट लग जाता है उसमें, तो वो मतलब सत्यापन करा के वो बाद में भी करवा सकते हैं, ऐसा हमें टाइम दिया जाता है, वैसे ऐसा तो कुछ था भी नहीं अभी तो। ओके, तो गाइस देखा आपने जिस तरह से हमारी ये कुछ एक सिस्टर्स आई हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी भी तरह का आपको कोई पैनिक होने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, और बहुत ही अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव है, और जो ग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी जैसे पानी की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था वो बहुत ही बढ़िया है। तो जो भी महिलाएं या जो गर्ल्स जो आ रही हैं आपको भी किसी भी तरह की टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत टाइम होता है और इजीली जो मतलब रुकेगा नहीं वो इजीली पास हो जाएगा।
तो आप इसी तरह से बिना मतलब कोई ऐसे झिझक से या बिना कोई टेंशन से आइए, और आपका स्टाफ जो है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, और इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।